हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस। हमारे पास दो एपी हैं जिनमें से दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है और हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमने AP1 फर्स्ट AP लेट कर ली, A2 A3 A100 A1000, मतलब चलती जाएगी क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं है। सेकंड AP में हमने स्मॉल a का यूज़ कर लिया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों में d है, यानी कि यहाँ पे भी d का डिफरेंस है और यहाँ पर भी d का डिफरेंस है। अब देखिए, इस AP की 100th टर्म और इस AP की 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस, और ये आप लिख देंगे ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका 99 डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 100 आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास तैयार हो गई। उसके बाद मुझे 1000 टर्म का डिफरेंस पता करना था। ए 1000 को अपन ए प्लस 999 डी और ए 1000 को भी ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं। माइनस है तो ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो 999 डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस ए रह जाएगा, जिसकी वैल्यू 100 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आंसर डन हो गया। थैंक यू।